नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आज के इस एडिटोरियल डिस्कशन में। आज दिनांक है 24 अगस्त 2022 और आज हम चर्चा करने वाले हैं अभिव्यक्ति या फिर विचार पेज के ऊपर, जो कि आज आया है दैनिक जागरण में। तो देखेंगे इसमें क्या जो मुख्य मुख्य देख लेंगे इसमें जो मुख्य हमारे मुद्दे हैं उनके ऊपर जो आज आया है इसमें विचार पेज में और हमारे यहाँ पर विमर्श पेज में, विचार विमर्श पेज में, तो हम इस पर चर्चा करने वाले हैं। तो चूंकि इसमें मुख्य मुद्दे हैं उनमें यह एक हमारा रहेगा रूस यूक्रेन युद्ध के सबक। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक जरूरी या इसको पढ़ लेना है आपको। उसके अलावा जो कानून के शासन को चुनौती को भी देख सकते हैं, और ये पर्यावरणीय सेवाएं ये भी देख सकते हैं आप, पर्यावरणीय सेवाएं किस प्रकार से जो उत्तराखंड के ऊपर इसमें चर्चा की गई है। और ये यहाँ पर आप देख सकते हैं श्रेष्ठ आचरण ऊर्जा को लेकर कुछ अच्छे विचारों के लिए, एंडोल्स फोन के पीड़ितों को मिला न्याय, यह भी एक इस पर भी हम चर्चा करेंगे। इसको भी आप, यह भी एक जरूरी है। और इसके अलावा ताइवान विवाद के बीच अरुणाचल पर सतर्कता, यह भी एक जरूरी टॉपिक है। और इस पर जो मतलब आपको सिक्योरिटी से रिलेटेड इशू क्या हो रहे हैं उस पर आपको एक विचार और उस पर जानने का एक, इसमें बहुत सारे अच्छे दे रखे हैं यहाँ पर कि किस प्रकार से यहाँ पर यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि अरुणाचल प्रदेश पर सतर्कता रखनी जरूरी है। और चीन पर घटे कारोबार निर्भरता, इस पर भी आप ये भी देख सकते हैं यहाँ पर भी ये विचार विमर्श में अच्छा मुद्दा है। उसके अलावा प्रकृति से छेड़छाड़ का दुष्प्रभाव, यह भी एक जरूरी टॉपिक हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं। उसके अलावा जो हम चर्चा नहीं करेंगे उस पर आप देख, जैसे कि आप बताई दिया है कि यहाँ पर कौन कौन से टॉपिक जरूरी हो सकते हैं उन पर आप खुद देख सकते हैं उनको। उसके अलावा चलिए हम शुरू करते हैं चर्चा और जानते हैं इसमें कि क्या है रूस यूक्रेन युद्ध के सबक और इससे जुड़े हुए दूसरे जो इनमें मुद्दे आए हैं किसी भी, अगर जैसे कि चिकन नेक के बारे में आया है तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। जो मैप से उसको भी हम देखेंगे मैप में कहाँ पर क्या स्थित है। उसके अलावा एंडो जो कीटनाशक है इसके ऊपर भी हम देखेंगे कि इसका प्रभाव कैसा क्या था। तो बने रहिए रहिएगा आखिर तक और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि किस प्रकार का आपको वीडियो लगा और जो भी सुधार करने के हो वह ज़रूर सुझाई कमेंट बॉक्स में ज़रूर सुझाव दीजिएगा इसको सुधार करने को लेकर। तब तक तो चलिए बढ़ते हैं आगे, शुरू करते हैं रूस यूक्रेन युद्ध के सबक से। जैसा कि इसमें बताया गया है यूक्रेन युद्ध जितना हमारे सैन्य योजनाओं के लिए अध्ययन का विषय है उतना ही नेताओं एवं अर्थशास्त्रियों के लिए भी है। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध हुए 6 महीने हो चुके हैं और फिलहाल इसके थमने में कोई आसार नहीं दिखते हैं। पिछले कई दशकों के बाद यह पहला ऐसा युद्ध है जो पारंपरिक और गैर पारंपरिक हथियारों के उपयोग के बीच इतने बड़े पैमाने पर लड़ा जा रहा है। इस युद्ध में यानी इस युद्ध यह युद्ध जितना सामरिक और सैन्य योजनाओं के लिए अध्ययन का विषय है उतना ही नेता और अर्थशास्त्रियों के लिए भी है। तो इसे जो सबक लेने हैं उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो यह नेताओं और अर्थशास्त्रियों के लिए भी एक सबक है जो कि इसमें उभरते हुए दिख रहे हैं कि इसे क्या सबक लेने चाहिए। जब यह युद्ध शुरू हुआ था तो लगा था कि रूस आसानी से बहुत जल्दी विजय प्राप्त कर लेगा। शुरुआत में यही अनुमान लगाया जा रहा था कि रूस की सेना बड़ी है, रूस के पास हथियार ज्यादा है, तो रूस आराम से विजय प्राप्त कर लेगा बहुत ही जल्दी। फिर जब अमेरिका एवं नाटो की परोक्ष सैन्य और आर्थिक मदद के चलते यूक्रेन ने रूस की सेना का प्रतिरोध शुरू किया तो कहा गया कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के चलते रूसी अर्थव्यवस्था लंबा युद्ध नहीं झेल पाएगी और व्लादिमीर पुतिन जल्द ही युद्ध विराम की घोषणा कर देंगे। पर ऐसा नहीं हुआ, हम देख ही रहे हैं कितने दिन हो गए, 100 दिन ऊपर हो चुके हैं आपको और ज्यादा दिन हो गए इस युद्ध को चलते चलते। यानी कि यूक्रेन को जो को दी जा रही अमेरिकी सैन्य सहायता के चलते रूसी सेना को भारी जान माल का नुकसान तो उठाना पड़ा है, परंतु पुतिन ने रूस की सीमाओं से नाटो सेनाओं को खदेड़ने का दृढ़ संकल्प नहीं छोड़ा। यह रूस के राष्ट्रीय चरित्र के अनुरूप ही है, यानी कि राष्ट्रीय चरित्र उसका चरित्र मतलब वो किस प्रकार का उसका राष्ट्र के रूप में राष्ट्रवाद या फिर जो अपने सेनाओं को लेकर जो उसका चरित्र है उसके एक जो पिछले जो जो पास्ट में यानी कि भूतकाल में जो हमारा बीत गया उसमें हमने देखा है जो उसका दिखा था किस प्रकार से आज वही चेहरा दिखता है उसका, कि हाँ रूस का चरित्र वही है। यानी कि जब अगर हम उसके इतिहास में देखते हैं तो वहाँ पता चलता है कि रूस वह देश रहा है
जहां हिटलर के आक्रमण के दौरान स्टालिनग्राद के मोर्चे को छोड़कर भागने वाले सैनिकों को सरकारी आदेश पर गोली मार दी गई थी। यानी कि वह अपनी सेनाओं, अपनी सीमाओं को लेकर इतने सतर्क और इतने ये कि वह जो वहां पर सैनिक भागे थे उनको भी गोली मारकर हत्या उनको गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। और जर्मनी के जब भीषण हमले को विफल करने के लिए गर्भवती महिलाओं ने भी हथियार के कारखानों में काम किया था। यानी देख सकते हैं यहाँ आप कि किस प्रकार से महिलाएं तक अपने देश की सीमाओं और युद्ध में इतना जुड़े हुए थे वहां पर। यह स्वतंत्रता के बाद से भारत के राष्ट्रीय चरित्र से बहुत अलग है। भारत का राष्ट्रीय चरित्र और रूस का राष्ट्रीय चरित्र यहाँ पर दिखता है कि यह बहुत अलग है और किस प्रकार से अलग है हम यह भी इस पर चर्चा कर रहे हैं। जहाँ राजनीतिक नेतृत्व द्वारा युद्ध को खत्म करने की जल्दबाजी में भारत के सामरिक हित दांव पर लगाए जाते जाते रहे। यानी कि हमारे यहाँ पर युद्धों को जल्दी जल्दी खत्म करने की कोशिश की जा रही थी, जो कि इतिहास में देखा जा सकता है कि 1947 से ही भारतीय राजनीतिक नेतृत्व ने समय समय पर लंबा सैन्य तनाव झेलने और युद्ध अपने तरीकों से लड़ने में अक्षमता दिखाई। उसके अलावा जो अक्षमता दिखाई, जिन लक्ष्यों को लेकर सैन्य कार्रवाई शुरू की गई उन्हें लक्ष्य पूरा होने से पहले ही रोक दिया गया या फिर सैन्य सफलता को वार्ता की मेज पर गंवा दिया गया। फिर चाहे वह नेहरू सरकार द्वारा कश्मीर युद्ध को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में ले जाना रहा या फिर 1965 में लाहौर पर कब्जे के मौके को गंवा देना या फिर 1971 में मिली जीत शिमला समझौते में गंवा दी गई, तो कारगिल युद्ध के दौरान अंतरराष्ट्रीय दबावों के चलते भारतीय सेना को नियंत्रण रेखा पर पार कर कार्रवाई की अनुमति नहीं मिल पाई। पिछले 2 दशकों में इस प्रवृत्ति को औपचारिक जामा यह कहकर पहनाया जाता रहा है कि भविष्य के युद्ध तो बहुत छोटे होंगे और वे युद्ध कम झड़पें अधिक होगी, इसलिए भारत की सैन्य तैयारी उसी के अनुरूप होनी चाहिए। और बालाकोट में हमले और पाकिस्तान के जवाबी ऑपरेशन के बाद में से यह धारणा और प्रबल हुई है। तब पूरा मामला अभिनंदन की राय पर केंद्रित होकर रह गया, वरना भारत उस स्थिति को लंबा खींचकर और अधिक लाभ उठा सकता था। इसके उलट नाटो और रूस के परमाणु बलों के महीनों से उच्च स्तर के अलर्ट पर रहने के बाद भी रूस यूक्रेन युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। रूस और यूक्रेन दोनों कभी उस सोवियत संघ का हिस्सा रहे हैं जिसने चेर्नोबिल परमाणु हादसे को झेल रहा था। हमने यहाँ पर देखा कि जो रूस यूक्रेन युद्ध है वो भी हाल ही में बहुत चर्चा में भी रहा है और उसकी जड़ तो अब हम देखते हैं थोड़ा नाटो के बारे में जानते हैं और रूस यूक्रेन के सीमा और उसके आसपास के क्षेत्र के बारे में जानते हैं, क्योंकि यह अभी बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा में रहे हैं। चलते तो नाटक के बारे में थोड़ा जानते हैं दोस्तों, सामान्य परिचय देखते हैं इसका, जो कि हम दृष्टि आई इसकी वेबसाइट से सोर्स हमारा है इसका। इसमें जो दोस्तों की नाटो यानी उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को 12 संस्थापक के सदस्यों द्वारा अमेरिका के वॉशिंगटन में किया गया था। यह एक अंतर सरकारी सैन्य संगठन यानी कि जो अलग अलग देशों की सरकार है उन सभी सरकारों का एक सैन्य संगठन है। इसका मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में अवस्थित है, यानी कहाँ पर है आपको पता चल रहा होगा, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में अवस्थित है। वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या 30 है। और जो नाटो है वो यूरोप और उत्तरी अमेरिका के देशों के मध्य एक सैन्य संगठन, यानी कि जो उत्तरी अमेरिका है और यूरोप है उसका है वो इसमें अधिकतर वही देश शामिल है और उनके बीच एक सैन्य संगठन है। वर्ष 2017 और 2020 में क्रमशः मोंटेग्रो और उत्तरी मेसिडोनिया को सदस्य देश के रूप में शामिल किया गया है। यानी मोंटेनेग्रो, उत्तरी मेसिडोनिया को इसमें 2017 और 2020 में नए देश के रूप में शामिल किया गया था और अब इसके 30 देश हो गए हैं टोटल मिलाकर। और यहाँ पर देखा जाए तो नाटो सामूहिक रक्षा के सिद्धांत पर काम करता है, जिसका तात्पर्य एक या अधिक सदस्यों पर आक्रमण सभी सदस्यों देशों पर आक्रमण माना जाता है। तो यहाँ पर जो है कि इसका क्योंकि यह इसके नाटो के अनुच्छेद 5 में निहित है कि अगर कोई एक देश पर हमला होगा या किसी भी देश पर हमला होगा नाटो के, तो वह सभी देशों पर हमला माना जाएगा। इस अनुच्छेद को पहली बार संयुक्त राज्य अमेरिका पर हुए आतंकवादी हमले 11 सितंबर 2001 के बाद लागू किया गया था। यानी कि जो हमला हुआ था अमेरिका में उसके बाद इस
अनुच्छेद को उसमें शामिल किया गया और लागू किया गया था। नाटो में कोई भी निर्णय सभी 30 सदस्यों के सामूहिक इच्छा के आधार पर ली जाती है, यानी सामूहिक इच्छा के आधार पर ही कोई निर्णय लिया जाता है। नाटो के सदस्य देशों का कुल सैन्य खर्च विश्व के सैन्य खर्च का 70% से अधिक है, जिसमें अमेरिका अकेले अन्य यूरोपीय देशों की तुलना में अधिक खर्च करता है। नाटो का उद्देश्य ये जानते हैं दोस्तों, नाटो का उद्देश्य क्या है? इसकी स्थापना के समय प्रमुख उद्देश्य पश्चिम यूरोप में सोवियत संघ की साम्यवादी विचारधारा को रोकना था, यानी कि जो साम्यवादी विचारधारा फैल रही थी यूएसएसआर की उस समय, तो मतलब उस और इसलिए उसको रोकने का इसका उद्देश्य था। और राजनीतिक और सैन्य तरीकों से अपने सदस्य राष्ट्रों की स्वतंत्रता और सुरक्षा की गारंटी प्रदान करना। इसके अलावा वो वर्तमान और भविष्य के खतरों से निपटने के लिए नवाचार एवं अनुकूलन के साथ साथ उपकरणों के निर्माण को प्रोत्साहित करना भी इसका एक उद्देश्य है। सदस्य देशों के बीच एकजुटता और सामंजस्य की भावना पैदा करना, यूरोप में व्यक्तिगत स्वतंत्रता, लोकतंत्र, मानव अधिकारों एवं कानून के शासन के समान मूल्यों के आधार पर अस्थायी अस्थायी शांति सुनिश्चित करना, अपने सदस्य देशों के क्षेत्र की रक्षा करना और जब संभव हो तो संकट को कम करने के लिए भी प्रयास करना, इसके महत्वपूर्ण उद्देश्य का एक भाग है। किसी भी सदस्य देश को राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में निर्धारित प्राथमिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए मजबूर ना करना। उसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्पन्न होने वाले नए खतरों से निपटने हेतु न केवल सामूहिक रक्षा प्रदान करना बल्कि संकट की स्थितियों का प्रबंधन करने के साथ साथ सहकारी सुरक्षा को प्रोत्साहित करना भी इसका उद्देश्य है। समुद्र या समुद्र से संभावित खतरों से अपने सहयोगियों को रक्षा करने में मदद करना, आतंकवाद को किसी भी रूप में स्वीकार न करना एक इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। हमने देखा किस प्रकार इसके उद्देश्य क्या है, परिचय देखा है, उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है वह यह कि जब सोवियत संघ ने 1948 1948 में बर्लिन की नाकेबंदी की तो पश्चिमी यूरोपीय पूंजीवादी देशों को साम्यवाद के प्रसार का भय लगने लगा। अतः पश्चिमी यूरोपीय देशों की सुरक्षा के लिए अमेरिका के नेतृत्व में नाटो नामक प्रतिरक्षा संगठन का निर्माण किया गया। फलतः इसके जवाब में सोवियत संघ ने वारसा पैक्ट किया। इस प्रकार सशस्त्रीकरण को बढ़ावा मिला, जिसके कारण अमेरिका और सोवियत संघ के संबंधों में तनाव बढ़ता गया। तो यहाँ पर यह है कि कुछ नियम ये जरूरी है दोस्तों कि हम नियम जरूर देख सकते हैं इसके, जो कि आप यूज कर सकते हैं अपने आंसर को अच्छा और एक फैक्ट प्रूफ और मतलब अच्छे जवाब को लिखने के लिए इनको यूज कर सकते हैं। नाटो संकट प्रबंधन सैन्य अभियानों और मिशनों की एक विस्तृत श्रृंखला में शामिल है। नाटो वर्तमान में अफगानिस्तान, कोसोवा और भूमध्य सागर में काम कर रहा है। नाटो अफगानिस्तान में गैर युद्ध मिशन का नेतृत्व कर रहा है और इसके माध्यम से अफगानिस्तान के सुरक्षा बलों संस्थानों को प्रशिक्षण, सलाह और सहायता प्रदान करता है। नाटो ने ISAF अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा सहायता बल का नेतृत्व अगस्त 2003 से 2014 तक संयुक्त राष्ट्र के जनादेश के तहत किया था। इसके बाद जनवरी 2015 में संकल्प सहायता मिशन शुरू किया गया। और इसी के अलावा जो हमने उद्देश्य देखे उसके बाद जो हमारा इसके अभियान और मिशन में अस्थायी वह है, अभियान और मिशन में अफगानिस्तान में संकल्प सहायता मिशन के माध्यम से निम्नलिखित कार्यों में योगदान किया जाता है। उसमें है योजनाओं का समर्थन प्रदान करना, प्रोग्रामिंग और बजट पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना, कानून के शासन और सुशासन के सिद्धांतों को बढ़ावा देना और इसके अलावा बल उत्पादन, भर्ती, प्रशिक्षण, प्रबंधन और कर्मचारियों को विकास करना इसके अभियान और मिशन में शामिल है। तो इस प्रकार अब हम बढ़ते हैं हमारे वापिस टॉपिक की ओर, और जहां हमने देख रहे थे कि जो चेरनोबिल परमाणु हादसे को झेला है यूएसएसआर में जब यूक्रेन और रूस
एक ही थे। और उसके बाद जो परमाणु संयंत्रों पर कब्जों को लेकर सैन्य झड़प जारी है, जो किसी परमाणु हादसे में बदल सकती है, यानी कि जो परमाणु संयंत्र है उसको लेकर भी अभी युद्ध में भी जो सैन्य झड़प चल रही है वो परमाणु हादसे के रूप में बदल सकती है अगर ऐसी ऐसा विकट परिस्थितियां उत्पन्न हुई तो। तो देखते हैं दोस्तों कि यूक्रेन और रूस की सीमा को और इसके जो काला सागर जो कि अभी मुख्य रूप से चर्चा में था, क्योंकि यूक्रेन से जो गेहूं है वीट है उसके आपूर्ति में यह एक महत्वपूर्ण जो कि महासागर जो महासागर नहीं यह एक बहुत महत्वपूर्ण जलमार्ग के रूप में कार्य आता है। तो जो देख सकते हैं आप यहाँ पर एजोब सागर है, इस एजोब सागर से दोस्तों ये यहाँ पर ये देख सकते हैं रूस और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये यूक्रेन, ये आप देख सकते हैं यूक्रेन की बाउंड्री यहाँ पर, और ये ऊपर से आपका इधर रूस लगता होगा, ये बड़ा भूभाग जो आप देख सकते हैं इस यूक्रेन से इधर का ये पूरा रूस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बीच में जो युद्ध चल रहे हैं उससे कि यह क्षेत्र भी बहुत प्रभावित हो रहा है। इसके अलावा जो आप यहाँ देख सकते हैं काला सागर, काला सागर एक यूक्रेन से एक महत्वपूर्ण जलमार्ग है जो कि यहाँ के व्यापारिक जो कि व्यापारिक एक रूट है जलमार्ग से महत्वपूर्ण जो काला सागर है। यहाँ पर आप कर्ज की जलसंधि पूछ सकते हैं, कर्ज की जलसंधि कहाँ है, तो वह एजब सागर और काला सागर को जोड़ती है जो कि यहाँ पर स्थित है। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर कर्ज की जलसंधि, यह एजब सागर और यहाँ पर काला सागर को जोड़ती है। इसके अलावा इधर जाएंगे तो यहाँ पर ये अगर और इससे हम जब काला सागर से बाहर आते हैं मारमारा सागर की तरफ, तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं तुर्की में जो कि एक महत्वपूर्ण यहाँ पर एक मारमारा सागर या भूमध्य सागर से जुड़ता हुआ काला सागर का एक जलमार्ग है, एक संधि है जो कि बोस्पोरस जल संधि, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो इसको दोस्तों हम बोस्पोरस जल संधि के नाम से जानते हैं, आपको पता भी होगा यह बोस्पोरस जल संधि है जो कि काला सागर मारमारा सागर या भूमध्य सागर को जोड़ती है, यह बोस्पोरस जल संधि। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर यह महत्वपूर्ण मार्ग है एक व्यापारिक लेन देन के लिए, और जो यूक्रेन से जहाज वगैरह जाते हैं वह इसी से जाते हैं विश्व के निर्यात करने के लिए गेहूं। तो हमने यहाँ पर देखा कि रूस की स्थिति और यूक्रेन की स्थिति, यहाँ पर देख सकते हैं आप ये काला सागर, ये भूमध्य सागर है, और उसके अलावा ये भूमध्य सागर या अटलांटिक से जुड़ता हुआ जिब्राल्टर संधि के माध्यम से यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जिब्राल्टर संधि है दोस्तों। और बढ़ते हैं हम आप फिर से हमारे उसी टॉपिक पर, और जो भी अभी तक समझा है वो आपको समझ में आया होगा ऐसी आशा करता हूँ। तो बढ़ते हैं फिर से आगे, तो यहाँ पता चलता है कि साफ है परमाणु युद्ध का खतरा युद्ध को छोटा कर दे, यानी कि परमाणु युद्ध का खतरा अगर युद्ध को छोटा कर दे ऐसा आवश्यक नहीं है। यूक्रेन युद्ध नाटो के रूसी सीमा तक सैन्य विस्तार के चलते शुरू हुआ था, यानी जो यूक्रेन युद्ध जो हुआ था वह नाटो के रूसी सीमा तक सैन्य विस्तार के चलते शुरू हुआ था, यही इसका एक मुख्य कारण था कि यूक्रेन का नाटो में शामिल होना। और भारत के चारों ओर देखें तो अगले कुछ दशकों में ऐसी परिस्थितियों को नकारा नहीं जा सकता, यानी कि जो ऐसे ही है कि सीमा विवाद भारत में भी हो सकते हैं, इन स्थितियों को नकारा नहीं जा सकता चीन और पाकिस्तान को लेकर। उदाहरण के लिए भी देख सकते हैं यहाँ पर कि चीन एक योजना के तहत G695 हाईवे का निर्माण करने जा रहा है, यानी G695 का हाईवे निर्माण जो चीन करने जा रहा है 2035 तक, यानी कि इसने एक महत्वपूर्ण योजना का भी इसका चीन ने इस पर योजना बनाई थी कि महत्वपूर्ण रूप से इसको लागू करना और इसको 2035 तक तैयार करना है। पिछली सदी के छठे दशक में यानी पिछली सदी के जो छठा दशक था उसमें भारत की भूमि पर बनाए गए G219 हाईवे के बाद यह दूसरा ऐसा बड़ा निर्माण होगा, यानी कि G219 हाईवे जो बनाया गया था पहले, और उसके बाद जो युद्ध के हालात हुए थे उसकी वजह से हम पता ही है कि जो भारत और चीन में युद्ध हुआ था वह इस G219
आईवी की वजह से हुआ था, और उन परिस्थितियों को जन्म दिया था जो कि युद्ध के रूप में बदल गई थी, जिनके चलते 1962 का भारत का चीन युद्ध हुआ, भारत चीन युद्ध हुआ। और जब चीन द्वारा घोषित किया गया G695 यानी 695 हाईवे वास्तविक नियंत्रण रेखा के उन इलाकों से होकर गुजरेगा जहां पर दोनों देशों की सीमाएं आमने सामने हैं। देखते हैं दोस्तों G219 हाईवे क्या था और इसकी सीमाएं कहाँ से, ये कहाँ से होकर गुजरता, जो कि मैंने एक मैप से आपको बताने की कोशिश करता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं ये भारत की, यहाँ पर अक्साई चीन है जो कि चीन एलएसी के पास है। तो आप देख सकते हैं कि जो लगभग एलएसी से 20-25 किलोमीटर के एरिया में थी, ये चीन के क्षेत्र में थी, यानी कि चीन ने जहाँ पर कब्जा कर रखा है भारतीय क्षेत्र पर। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो G219 हाईवे था, ये किस प्रकार से भारत की सीमाओं के पास से बिल्कुल पास से होकर गुजरा था, जिसके कारण ये मुद्दा उठा था, और जो फिर इसके बाद ये एक युद्ध के रूप में तब्दील हो गया था, भारत चीन युद्ध के रूप में, जो कि 1962 का युद्ध के रूप में सामने आया। तो इस प्रकार हमने देखा कि, और इसी प्रकार जो G695 हाईवे है वह भी इसी प्रकार की योजनाओं के साथ आगे बढ़ रहा है। तो G695 हाईवे वो वास्तविक नियंत्रण रेखा के उन इलाकों से होकर गुजरेगा जहां पर दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने हैं। इसी प्रकार चीन और पाकिस्तान मिलकर शख्सगाम घाटी से होकर मुजफ्फराबाद यारकंद सड़क बनाने का सोच रहे हैं, यानी कि शख्सगाम घाटी से मुजफ्फराबाद यारकंद सड़क बनाने का सोच रहे हैं। यह न सिर्फ भारत के स्वामित्व वाले इलाके से होकर गुजरेगी अपितु सैन्य सुरक्षा के लिहाज से भारत के सियाचिन जैसे सामरिक महत्व वाले क्षेत्रों में बड़ी चुनौतियों से को भी जन्म देगी। यानी कि जो सियाचिन है, वो सियाचिन जो हमारा क्षेत्र है उसमें भी हम भारत की सैन्य क्षमता को चुनौती देने के लिए बनाई जा रही है, ताकि ऐसे समय में काम आ सके जब वहां पर स्थितियां नाजुक हो। इसलिए चीन और पाकिस्तान इसको बनाने का सोच रहे हैं। चीन, नेपाल और भूटान भी इसी प्रकार के प्रोजेक्ट की संभावनाएं तलाश रहा है, यानी कि चीन जो नेपाल और भूटान में भी इसी प्रकार के प्रोजेक्ट कुछ बनाने की संभावना तलाश रहा है, ताकि उधर से भारत को घेरा जा सके। ऐसे में देर समय भारत को इन सब गतिविधियों को लेकर वैसा ही कड़ा रुख अपनाना होगा जैसा पुतिन ने नाटो के विस्तार को लेकर अपनाया है। पाकिस्तान और बांग्लादेश आने वाले समय में बड़ी उथल पुथल की ओर बढ़ रहे हैं, जो पूरे क्षेत्र को अस्थिर कर सकती है। इसी प्रकार इस सबसे निपटने के लिए बड़े पैमाने पर सैन्य तैनाती या हस्तक्षेप की आवश्यकता पड़ सकती है। अफगानिस्तान और इराक की तरह रूस यूक्रेन युद्ध यह भी बताता है कि वायुसेना और मिसाइलें सैन्य बढ़त देने में बेहद महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण तो है, परंतु किसी एक, यानी कि किसी एक पक्ष की जमीनी विजय बिना युद्ध का निर्णय नहीं हो सकता। जिस प्रकार हम देख रहे हैं कि रूस जो जमीनी विजय नहीं हो पा रही है वहां पर, उसके कारण से युद्ध ये बहुत ही लंबा छिड़ रहा है और चला जा रहा है। रूस ने युद्ध की शुरुआत में मिसाइलों की भारी वर्षा तो की, परंतु उसकी थल सेनाएं उतनी गति से बढ़त नहीं बना सकी। भारत की सामरिक संस्कृति में ऐसी स्थिति में युद्ध रोक दिया जाता है, यानी कि हमने देखा है कि अगर हमेशा ज्यादा युद्ध लंबा जा रहा होता है तो हमारे यहाँ युद्ध रोक दिया जाता है। पर रूस तमाम प्रतिबंधों के बावजूद अपने सामरिक लक्ष्य पूरे किए बिना रुकने को तैयार नहीं है। संभवतः पुतिन ने वर्षों से इन आर्थिक प्रतिबंधों को हटाने से निपटने की तैयारी की थी, और गैस तथा खनिजों को लेकर यूरोप की रूस पर निर्भरता और भारत एवं चीन जैसे बड़े बाजारों की सस्ते तेल की आवश्यकता का वह युद्ध जारी रखने में भली भांति उपयोग करने में सफल है। तो भारत को भी इसी प्रकार विश्व अर्थव्यवस्था को अपने ऊपर निर्भरता बढ़ाने के लिए नीतिगत कदम और सुधार करने चाहिए, यानी कि हमें कुछ इस प्रकार से हमारे कदम बढ़ाने चाहिए और इस प्रकार से हमारी कुछ नीतियां होनी चाहिए कि हमारे ऊपर भी थोड़ी विश्व की अर्थव्यवस्था निर्भर करे, ताकि अगर कल से भारत और चीन के साथ या भारत पाकिस्तान के साथ ऐसा मुद्दा उठता है तो हमें किसी के सामने दबना नहीं पड़े और कहीं पर भी हमें पीछे मुड़ने की आवश्यकता ना पड़े। यानी कि वैश्विक उत्पादन और आपूर्ति चेन में स्वयं की स्थिति मजबूत करनी चाहिए, ताकि उसे वैश्विक दबाव के चलते अपने सैन्य अभियान समय से पहले समाप्त न करना पड़े। तो यह हमारी एक सबसे बड़ी थी कि हम इसे रूस यूक्रेन युद्ध के सबक क्या है जो हमने देखे, कि हमें एक तो हमारी सीमाओं की चौकसी बढ़ानी होगी और भी तेजी से, और जो हमारे सीमाओं पर है वह हमारे सामान यानी मिलिट्री के वेपन वगैरह है उनको लाने ले जाने के लिए जो
रास्ते अच्छे बनाने बनाने होंगे, वहाँ पर जो कनेक्टिविटी उसको सुधारना पड़ेगा, और जो है विश्व अर्थव्यवस्था में हमारा भाग बढ़ाना होगा, और हमें विश्व अर्थव्यवस्था को अपने ऊपर निर्भर बनाना होगा। इसके अलावा तो यहाँ पर हमने देखा है दोस्तों टॉपिक, उसके अलावा हम देखते हैं एंडोसल्फान के पीड़ितों को मिला न्याय, इसके ऊपर कुछ बात चर्चा करते हैं, और उसके अलावा और जो अन्य टॉपिक बचेंगे उसको आप देख लीजिएगा। हम इस पर जो मुख्य टॉपिक है हम उस पर चर्चा कर लेते हैं, यानी कि एंडोसल्फान के पीड़ितों को मिला न्याय। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लंबे समय से लगाई जा रही फटकार के बाद अंततः केरल सरकार ने एंडोसल्फान कीटनाशक के पीड़ितों को मुआवजा के तौर पर 2 अरब रुपए जारी कर दिया। यानी जो मुद्दा था एंडोसल्फान का पहले चल रहा था, उसमें जो अभी तक मुआवजा रुका हुआ था, यानी कि जो उसका 2019 को ही फैसले आ गए थे, परंतु उसके जो अभी तक उनको मुआवजे सही तरीके से नहीं मिल रहे। और दरअसल सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2017 और 19 के अपने कई आदेशों में राज्य सरकार को प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा देने की बात तो कही थी, लेकिन केरल में इस कृषि रसायन से प्रभावित लोगों की संख्या 5,000 से अधिक है। आप देख सकते हैं कि जो बात कही थी उसमें जो व्यक्ति है वो 5,000 से भी अधिक है, और जो आज मानसिक रूप से दिव्यांग तो कई शारीरिक रूप से अक्षमता के शिकार हैं। कई पीड़ित त्वचा विकार और कई संसार इस कैंसर का सामना कर रहे हैं। ऐसे में मुआवजे का मिलना पीड़ितों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के लिए एक जीत की तरह है। जरा सोचिए, कीटनाशक का प्रयोग करने से उसके संपर्क में आने की कितनी बड़ी कीमत चुकानी होगी। यानी कि जो कीटनाशक था एंडो सल्फान, जो उस समय 1950 में विकसित हुआ था, और एक कीटनाशक का उसका प्रयोग कृषि क्षेत्र में विशेषकर फसलों पर लगे कीड़ों को मारने के लिए बहुत बहुतायत में किया जा रहा था, जो कि एक परंतु उसके बाद में जब दुष्प्रभाव सामने आए, या फिर जो उसके भी जो उसकी उसके जो खतरनाक जो उसका प्रभाव पड़ रहा था लोगों पर, लोगों के स्वास्थ्य पर, पर्यावरण पर, उसको देखकर फिर उसको बैन करने की भी बात हुई थी, और उसको बैन किया गया था भारत सरकार द्वारा। और उसमें जो भारत एक समय जो था एंडोसल्फान का सबसे बड़ा उत्पादक भी था और उपभोक्ता भी था, और जो केरल के काजू के बागान है उनमें कई वर्षों तक इस रसायन का छिड़काव भी होता रहा है, और नतीजा उनका यह हुआ कि बड़ी संख्या में कीट पतंग और छोटे जीवों की मौत होने लगी। यानी कि सिर्फ कीट ही नहीं, उससे जो फसलों में लगते थे कीट वही नहीं मरे, उसके अलावा जो कीट पतंग जो दूसरे थे वो भी मरने लगे, वो भी उनकी भी संख्या में कमी आने लगी, छोटे जीव थे उनकी मौत होने लगी, तो कृषकों और कृषि श्रमिकों के साथ साथ उनके परिजन भी बीमार पड़ने लगे, वह इतनी खतरनाक साबित हुई। और कुछ ही वर्षों में वहां की जो मिट्टी थी, जल था और हवा में जो कीटनाशक थे वो घुल गया पूरी तरीके से, और जो हजारों लोग इसकी चपेट में आने लगे, और इसके बाद जो पीढ़ियां आई वो इसके अभिशाप की तरह बहुत ही जो इससे जूझ रही थी, इसके इसके दुष्प्रभाव से जूझ रही थी। और अधिकांश कीटनाशक खाद्य पदार्थों को विषाक्त बनाने के साथ साथ मृदा और पर्यावरण को भी दूषित करते हैं। यानी कि जो वैसे हमको पता है कि कीटनाशक जो होते हैं वो मृदा, जल और पर्यावरण को दूषित भी करते हैं, और विष पदार्थों को तो विषाक्त बनाते ही, उसके अलावा भोजन, पेयजल और हवा के जरिए ये मानव शरीर में प्रवेश करते हैं, और गुर्दा, यकृत, प्रतिरक्षा प्रणाली, प्रजनन क्षमता में कमी, मानसिक मंदता का खतरा उत्पन्न करते हैं। दुनिया भर में शारीरिक विकारों, मानसिक क्षमता अक्षमताओं और मौतों का कारण ये बन रहे हैं। और 2011 के जो स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था उसमें एंडोसल्फान कीटनाशक के वैश्विक उत्पादन और प्रयोग पर पाबंदी लगा दी गई थी, यानी कि पाबंदी 2011 में ही लग गई थी इस पर। और जो उसके बाद फिर सर्वोच्च न्यायालय ने भी 13 मई 2011 को इसके उत्पादन, क्रय, विक्रय और उपभोग को प्रतिबंधित कर दिया। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय ने भी फिर इसके बाद 2011 में इसके उपभोग और क्रय विक्रय के उपयोग को प्रतिबंधित कर दिया था। हालांकि जो कानूनी प्रतिबंध के बाद भी इसका प्रयोग धड़ल्ले से जारी रहा, इसका नतीजा यह हुआ कि कृषि उत्पादन बढ़ने के इस्तेमाल किया जाने वाला रसायन मानव संसाधन को लीनने लगा, यानी कि मानव संसाधन इंसान पर भी एक खतरा के तौर पर देखा जाने लगा, और एंडोसल्फान से सबक लेते हुए किसी भी तरह के हानिकारक रसायनों का प्रयोग कृषि क्षेत्र में बंद करना होगा। यानी कि जो बहुत ही हानिकारक रसायन है जो कि एक लंबे समय में फिर हमको एक बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न करने वाले हैं, उनको हमें आज से ही इनका प्रयोग रोकना होगा, वरना मानवता के लिए एक गंभीर खतरा साबित होगा। तो दोस्तों, जैसा कि हमने देखा इसमें कि किस प्रकार से एंडोसल्फान का एक खतरनाक कीटनाशक है, और इसने यहाँ पर जो केरल में है उसमें काजू की जो बागान है उनमें किस प्रकार से यहाँ पर एक बहुत बड़ा
इसमें लोगों में और वहाँ के बच्चों पीढ़ियों में एक बीमारी को जन्म दे रहा है ये, इसीलिए उसको रोका गया था 2011 में सरकार द्वारा, और संसद जो हमारे सर्वोच्च न्यायालय उसके द्वारा उनके द्वारा इस पर प्रतिबंध लगाया गया था। तो यहाँ पर जो हमने इन दोनों के बारे में चर्चा की है, आशा करता हूँ आपको समझ में आई होगी, और जो भी गलतियाँ हो रही है उनको सुधारने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा जो अन्य टॉपिक इसमें बचे हैं आप उनको जरूर पढ़िएगा, जैसे कि ताइवान विवाद है, और उसके अलावा प्रकृति से छेड़छाड़ का दुष्प्रभाव, यह भी एक महत्वपूर्ण है, तो इनको भी आप जरूर पढ़िएगा और इन पर भी चर्चा करिएगा और उनको समझने की कोशिश करिएगा। तो इसी के साथ मिलते हैं फिर कल किसी अगले वीडियो में अगले टॉपिक पर, तब तक के लिए धन्यवाद।